अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने बनाए थे नरगसी कोफ्ते और बनाना कस्टर्ड। तो अभी क्वेश्चन चल रहा है और इसको 4-5 दिन का गैप आ गया था और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जाहिर सी बात है गंदा भी हुआ होता है, तो ये तो रोज़ भी धुले तो कम है। और आज हमारी दोनों घड़ियों में जो है ना सेल ख़त्म हो गए थे, तो ये अली से मंगवाए थे और फिर वो इनमें डाल रहा था। तो नरगसी कोफ्ते अभी बनाने लगे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स में है एक कीमा है मटन का 3 पाव और बाकी 4 अंडे हैं और गर्म मसाला है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून नमक और 3 टेबलस्पून है बेसन और 1/2 टीस्पून है हल्दी और 1 टीस्पून है धनिया पाउडर और ये है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और 1 प्याज है और ग्रीन चिलीज और जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 3 टेबलस्पून। सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक का मसाला, ये 1 प्याज था बड़े साइज का, बेसन। तो यहाँ पर मम्मा दिखा रही थी कि कितने अच्छे तरीके से ये इसका कीमा टाइप बन गया। चलें मम्मा बताएं क्या कर रही हैं। मैं कोफ्ते बना रही हूँ, बड़ा कोफ्ता है ना। हाँ ना, पूरा अंडा है भैया, इसके अंदर तो बड़ा ही होगा। पूरी रात की हथेली पे और फिर अंदर अंडा भर के इस तरह करके। ये आपने इस तरह क्यों किए? क्योंकि 4 ही अंडे वाले खाए जाएंगे और बाकी फिर अगर चाहिए होंगे तो। वैसे अभी तो खैर नहीं बनाऊंगी, 1-2 ही बनाऊंगी, बाकी रख दूंगी। सही है, ये उसका मसाला ग्रेवी बनाने के लिए। हाँ, ग्रेवी। तो अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जी? प्याज है, 2 प्याज हैं और 2 ही टमाटर हैं और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। तो यहाँ पर प्याज को अलहदा ब्लेंड करेंगे और टमाटर और हरी मिर्च को अलहदा इकट्ठे ब्लेंड करेंगे। तो अब हम अपनी जल्दी से ग्रेवी बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले पैन में ऑयल डाला, फिर हमने डाल दिया प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था और फिर चला गया है जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो इन्हें अब थोड़ा भूनेंगे, उसके बाद इसमें हम अपना डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चों का जो हमने अलहदा से पेस्ट तैयार किया था वो, और इसे 3 से 4 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, ये 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अच्छा, ये ध्यान रखती है मेरा सारा ना, इधर ध्यान होता है उसका। हाँ, मैं नहीं बता पाती थी, भूल जाती है। अच्छा, ग्लासेस दिखाओ, रानी को ग्लासेस लग गए, इसको चक्कर आ रहे थे, बनवा भी दिए, इतनी जल्दी बन भी गए। कितनी थी नजर वैसे खराब? 0.75 है, बहुत ज्यादा, अली से भी ज्यादा है इसकी तो। फिर नहीं नहीं, अली की कौन? हाँ, ये कब से लगा के चेक करो, कैसी लगती है लगा के चेक करो। अच्छा, साफ नजर आते हैं। चलो बुरी वैसे नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। एक मैं ही हूँ जो चश्मे के साथ बड़ी बुरी लगती हूँ। तो ये रामीन ने कब से शोर मचाया हुआ था कि मुझे चक्कर आते हैं स्कूल में, मुझे बोर्ड नजर नहीं आता। तो फिर आज पापा आए हुए थे तो उन्होंने कहा उठो और चलो चेक कराओ, तो फिर इसकी निकल ही आई है। अब इससे भी ग्लासेस लगी हैं, पहले ऑलरेडी अली को लगे हुए हैं हमारे घर में। तो बस हमारा जो ड्राई स्पाइस डाल के हमने इसे भून लिया था अपने मसाले को, उसके बाद इसमें अब दही डाल दिया। अब हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं। ये तल दिए, सही है। अब आगे क्या, बस इसे कवर करके रखना है? इसको अब 10 मिनट के लिए ना बिल्कुल हल्की आंच पे
अब रख दूंगी पकने के लिए। आंच हल्की, अभी देखो देखो स्लो आंच पे ना, जैसे दम वाली आंच है सही, उस पे पकने के लिए रख दीजिए। तो बस अब हमारे कोफ्ते तो रेडी हो गए। क्या कर रही है? वो अपनी एकेडमी का फॉर्म भर रही है। अब कब से जाना शुरू करेगी? नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर अब बनाना डिज़र्ट या बनाना कस्टर्ड जो भी कहना चाहें वो मीठा बन रहा है। तो इसके लिए बस हमने वनीला कस्टर्ड ही यूज़ किया है, क्योंकि हम लोग बनाना कस्टर्ड वाली बात लाते नहीं है, नहीं तो प्रॉपर बनाना डिज़र्ट हो जाता अगर बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड भी होता तो। पर खैर, उसके ऊपर हमने अब बनाना स्लाइस करके लगा दिया। तो अभी हमने बिस्किट्स को क्रश कर लिया था, तो उसकी एक लेयर लगा रहे हैं, और ये हमने प्लेन डाइजेस्टिव बिस्किट जो होते हैं वो लिए थे। और बस इसके बाद इसे सेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो ये सेट हो गया? हाँ, तकरीबन हो गया है। सबसे रखा था इसको ठंडा होने के लिए, रखा ना साथ इसको भी रख लिया था। तो बनाना जली हमने डाल दी, उसके बाद अब कस्टर्ड की सेकंड लेयर लगा रहे हैं, और उसके बाद हमने इसी तरह दोबारा से बनाना स्लाइसेस लगा दिए। और जली जो हमने पहले बनाई थी वो कम पड़ गई थी, वो सारी एक ही लेयर में लग गई, तो अब दूसरी लेयर के लिए दोबारा से बनाना जली बना रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा सेट नहीं हुई थी, मतलब थोड़ी सी हमने ठंडी की थी, पर फिर ऊपर से हमने इसी तरह लगा दी। तो ये हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं, और नरगिसी कोफ्ते जो है ना बहुत ही फिट किस्म के बने थे, और कस्टर्ड तो वैसे ही मज़े का होता है। तो आज के लिए इतना ही था, उम्मीद आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।